चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। सुबह के 9 बजे हैं और मैंने अपने सुबह का सारा काम आज मैं बना रही हूँ। नाश्ते में बेथुए का परोठा दिखाऊंगी मैं आपको, किस प्रकार से बनाती हूँ मैं बेथुए का परोठा। आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पर। देखिए, आज मैं बना रही हूँ बेथुए के परोठे, और इसको बनाने के लिए मुझे इससे पहले उबालना पड़ेगा। अभी दिखाऊँगी मैं किस प्रकार से बनाती हूँ बेथुए के परोठे करके। ये बेथुआ है, हमारे खेत में हुआ था और मैंने सोचा इसके परोठे ही बना लेती हूँ। अब मैं इसको उबाल देती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आपको किस प्रकार बनाती हूँ। साफ करके धो देती हूँ मैं 2-3 पानी, उसके बाद ही उबालूंगी। देखिए, मैं इसे उबालने के लिए रख रही हूँ, अभी ये उबल जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कैसे बनाती हूँ। देखिए, जो मैंने बेथुआ दिखाया था आपको, उबालने के बाद इतना सा बच गया है ये, और मैंने इसको सारा पानी में निकाल दिया है। अब मैं इसको पीसती हूँ सीले में। ये देखिए, जीरा भी पीस रही हूँ मैं, और ये लाल मिर्च भी है थोड़ा सा, इसको पीस देती हूँ। इसे मैं बेथुआ भी पीस दूंगी मैं, जो मैंने उबाल के रखा है ना ये बेथुआ, ये बेथुआ पीस दिया मैंने। नमक बाद में मिलाऊंगी इसमें, क्योंकि नमक से पानी बन जाएगा। थोड़ी देर में जब पकाऊंगी ना मैं, तब नमक मसाले फिर मिला लूंगी। पीस के तैयार कर दिया है मैंने बेथू पीस के तैयार कर दिया है, और आटा को एक गूंथ के मैंने रख दिया है। अब मैं बनाती हूँ परोठा। देखिए, परोठा बना रही हूँ मैं, ऐसे बनाती हूँ परोठे, ये क्योंकि ये फट जाता है ना, तो एक में बनाऊंगी तो तब मैं दो में चिपका के बना रही हूँ। ये पतले पतले दो बना रखे मैंने। परोठा बन गया है, देखिए ऐसे बन चुका है परोठा। बेथुए का परोठा बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ये बन गए देखना। आज बाहर बहुत हवा चल गई जोर की, देखिए बहुत ही सुंदर बना है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये, आप भी बनाना कभी। देखिए, परोठा बन के तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म परोठा बेथुए का, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये बेथुए के परोठे। हम खेत में आए हैं अदरक लगाने के लिए, ये अदरक का बीज लिया था हमने ये, और अकेले में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था लगाना, इसलिए मैंने मनीषा के साथ ये पलटा किया है। ये मनीषा है, गोबर ये खेत में डाल दी है। एक बार हम इसमें गोबर डाल के खोद देते हैं इसको, उसके बाद फिर मिलाएंगे, फिर लगाएंगे अदरक। आज मौसम भी ज़रा अच्छा हो गया, बादल जैसे लग रहे हैं। ये खेत तैयार करना है, उसके बाद अदरक लगाएंगे। না सारे खेत में अदरक लगा दिया हमने। अब मैं वीडियो बनाना ही भूल गई जल्दीबाजी में। ये देखे, ऐसे लाइन खींच के ऐसे लगाया है हमने ये, अब पूरा समतल करके ऊपर से फिर से गोबर डाल रहे हैं इसमें। ये जल्दीबाजी में हमने काम पे ही लग रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं रहा हमारा, अभी याद आ रही है मेरे को। अब तो लगा दिया है सब, थोड़ा सा बचा है इतना। ये मैं जा रही हूँ आज किट्टी पार्टी में, हमारी किट्टी पार्टी है, और मैं दिखाऊंगी वहाँ पर हमारे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पर भजनों का ही होता है हमारे किट्टी पार्टी में, और मैं दिखाऊंगी आपको। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग। इस बार होली की वजह से हमारी किट्टी पार्टी में बहुत लेट हो चुकी है,
क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला है, बीच में होलियाँ भी आ गई थी, इसलिए लेट में ही कर रहे हैं। और अभी सासू जी लोग भी तैयार हो रहे होंगे और मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी जाती हूँ, मैं पहले ही चली जाती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पर लाइट ख़राब हुई है, सुबह से ही लाइट नहीं आई हुई है और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जाके वहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर लूँगी, उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाऊँगी। इसलिए मैं अभी जाती हूँ और दिखाऊँगी आपको, दिखाती रहूँगी आपको कि किट्टी पार्टी में क्या क्या हो रहा है और हम किस प्रकार से किस किट्टी पार्टी की शुरुआत करते हैं और सब दिखाऊँगी मैं आपको। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। रुपये जमा हो रहे हैं यहाँ पर किट्टी पार्टी के, और यहाँ लिखा भी जा रहा है रजिस्टर में, सब लोग 2-1 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं अपने अपने। है जहाँ ये 14 मेंबर हैं हम, 14 के 28,955 के 14,000 रुपये। ये देखिए आज कौशल्या पंथ के घर पर हो रही है, ये उनको दे दिए हैं 28,914,000 गिण लियो सब। अब अगले महीने के लिए यहाँ पर पर्ची बन रही है, ये जब हो गया।
Yeah.
बच चुके हैं और हम आ गए हैं किट्टी पार्टी में से दौड़ते दौड़ते आई देखो पसीना। वैसे तो उतना गर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर फटाफट चलने की वजह से बहुत पसीना हो गया है। और अब चाय बनाती हूँ मैं और अब आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।